नमस्कार, मैं सुधांशु रघुवंशी आज स्वरचित कविताएं लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी पहली कविता है ईश्वर उवाच। केवल इसलिए कि तुम्हारा अनुभव अत्यल्प है और तुमने जहन्नुम को कभी नहीं देखा, हाँकने ही मत लगो कि यही दुनिया नरक है। केवल इसलिए कि तुम बड़े हो, बच्चों को कच्चा समझने की भूल मत करो, या कि यदि बच्चे हो अभी तुम बड़ों को बूढ़ा मत कहने लगो। केवल इसलिए कि तुम हंस नहीं सकते, रोने मत लगो, अब तुम इस बात पर भी रो रहे हो कि तुम रोने के भी काबिल नहीं रहे। केवल इसलिए कि मैं दिखाई नहीं देता, फोड़ मत दो एक दूजे की आँखों। केवल इसलिए कि मैंने तुम्हें जीवन दिया, उतारू ही मत रहो मेरी हत्या करने को। केवल इसलिए कि तुम जी रहे हो जैसे तैसे, औरों को मत करो विवश। केवल इसलिए कि तुम कुछ तूफानी करना चाहते हो, मत छोड़ दो अधमरा उनको जो वाकई तुमसे करते हैं प्यार। केवल इसलिए कि तुम हुए थे शरीक फलां के जनाजे में, जन्नत में रिजर्व सीट का अधिकार नहीं बन जाता तुम्हारा। केवल इसलिए कि रह रहकर भूल जाते हो तुम अपना नाम, अपने अभिभावक को कोसने मत लगो। केवल इसलिए कि जिंदगी में जीने ही मत लगो तुरंत, सोचो पहले, देख ताक लो अपने आसपास इसकी गुंजाइश अच्छी तरह से, चुपके से शुरू करो तुम जीना आहिस्ता आहिस्ता। कम कम लो सांसें, बिना इसके भी चल जाए काम, प्रयास करो ऐसा, अभी नए हो तुम, जानते नहीं इसकी कीमत, जियो कि किसी भी पल मर्ग का खटका न लगा रहे जर्द पत्ते की तरह, जियो कि जीवित तो लगो, जियो कि चकित कर दो दुनिया को और संतुष्ट स्वयं को। केवल इसलिए कि तुम शुक्रिया के तीन अक्षर भूल गए हो, सिद्ध नहीं हो जाता कि मेरे सारे कृत्य अकृतज्ञतापूर्ण हैं। सनद रहे प्रिय मेरे, केवल इसलिए कि मैं अकेला हूँ, मत समझ लो कि किसी के भी साथ चलने को हो जाऊँगा तैयार।